हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं वो हम लोगों को मिल सके। ये नेता पार्टियों के पास अपना पैसा नहीं होता, ये सारा का सारा पैसा आप लोगों का है। आबादी के लोग रहते हैं सोनाताड़ विधानसभा में, एक सरकारी कॉलेज हम लोगों के पास भी, ये जिम्मेदारी इन सरकारों की थी। आज हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं। सोहना तावड़ू विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र खटाना ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सोहना बाजार में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी ताकत दिखाई। इस रोड शो के दौरान धर्मेंद्र खटाना ने पूर्व में रही सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि आज सोहना के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ना यहाँ पर शिक्षण संस्थान है और ना ही चिकित्सा की व्यवस्था है। स्कूलों में टीचर नहीं है और अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। यहां से चुनाव जीतने वाले लोगों ने सिर्फ अपना घर भरने का काम किया है, न कि विधानसभा का विकास किया। धर्मेंद्र खटाना ने शहरवासियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आप एक बार आम आदमी पार्टी के लिए वोट करते हैं तो विधानसभा की दिशा और दशा बदलने का काम करूंगा, लेकिन देखना इस बात का होगा कि विधानसभा की जनता 5 अक्टूबर को किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करती है और 8 अक्टूबर को जीत का सेहरा किसके सर पर सजाती है। चुनाव चल रहा है, मैं अगर पिछले 50 साल की राजनीति की बात करूं तो हमारे सोहना में बहुत सी पार्टियों को हमने विधायक बनाया। प्रदेश की बात करूं तो क्षेत्रीय पार्टी ने भी राज किया। कांग्रेस की बात करूं तो हमारे यहाँ के लोगों ने प्रदेश में कई कई बार कांग्रेस को कई कई बार मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी को भी पिछली बार 2 बार हम मौका दे चुके हैं। हम लोग हर बार किसी न किसी पार्टी को मौका देते रहते हैं। लेकिन हम लोगों के हालात जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग नेता और पार्टी इसीलिए चुनते हैं जिससे हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं वो हम लोगों को मिल सके। ये नेता और पार्टियों के पास अपना पैसा नहीं होता, ये सारा का सारा पैसा आप लोगों का है। कोई पार्टी अपनी जेब से अपने घर से नहीं लगाती, सब पार्टियों को पैसा देते हैं। अब सारे लोग टैक्स के रूप में आज सरकारी खजाने में जो पैसा जमा होता है, गुड़गांव जिले की अगर मैं बात करूं तो 65% की हिस्सेदारी गुड़गांव जिले से जाती है, पूरे हरियाणा से 35%। साथियों, ये अच्छी बात है कि हमारा जिला सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रदेश को देता है, लेकिन हम लोगों का ये कसूर है कि हम लोग सबसे ज्यादा रेवेन्यू, सबसे ज्यादा धन सरकारों को देते हैं, लेकिन हमें मिला क्या? आज हमारे पास हर क्षेत्र में हम पीछे हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र है, चाहे साफ सफाई का क्षेत्र है, चाहे रास्तों का क्षेत्र है। 7 लाख आबादी के लोग रहते हैं सोहना ताड़ू विधानसभा में, एक सरकारी कॉलेज हम लोगों के पास नहीं, ये जिम्मेदारी इन सरकारों की थी। आज हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं। अगर मैं आप ही लोगों से पूछ लूं तो आधे से ज्यादा लोगों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, इसलिए नहीं पढ़ते कि आप लोग पास पैसा ज्यादा है, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपको अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, उनका भविष्य इन खटारक सरकारी स्कूलों में नहीं बन सकता, इसलिए मजबूरी में आप लोग प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो मजबूरी में हमें प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। एक खटारा सरकारी अस्पताल हम लोगों को थोप रखा है इन लोगों ने, जिसमें डॉक्टरों की भारी कमी, दवाइयां बाहर से लिख देते हैं, मशीनें हैं नहीं, एक आईसीयू बेड है नहीं। मजबूरी में हमें अपने परिवार के लोगों का इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में कराना है। ये कब तक चलेगा? ये जिम्मेदारी इन सरकारों की थी, अच्छे अस्पताल, अच्छी डिस्पेंसरी देना, ये जिम्मेदारी इन सरकारों की थी, अच्छे स्कूल और कॉलेज देना। आज सोहना के चारों तरफ इन लोगों ने हम लोगों को इनाम के तौर पर टोल टैक्स दे दिए। चाहे बल्लमगढ़ जाना हो, फरीदाबाद जाना हो, पलवल जाना हो, गुड़गांव जाना हो, हर तरफ टैक्स से घेर दिया, चारों तरफ के रोड टूटे हुए। हल्की सी बरसात अगर इस शिवनगरी में आ जाए तो पूरा का पूरा बाजार डूब जाता है। ये लोग बिजली पानी हमें दे नहीं सकते। आने वाली 5 तारीख को चुनाव है, मेरा वैलेट नंबर 2 है
और निशान है झाड़ू का, इस झाड़ू के बटन पे दबा करके अपने भाई और बेटे को चिताने का काम करे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोगों के बीच में रह करके ये जो सोहना तावड़ू हल्का आज सबसे निचली श्रेणी पे आता है, इसको प्रदेश में पहले नंबर पे लाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों से सिर्फ मौका मांग रहा हूं, अगली बार जब 5 साल बाद वोट मांगने आऊंगा साथियों, तो अपने काम के नाम पर वोट मांगूंगा। अगर मैंने आपके शहर के लिए कुछ काम किए होंगे, मातृशक्ति के लिए कुछ काम किए होंगे, छोटे बच्चों के भविष्य के लिए कुछ काम किए होंगे, इन युवा साथियों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं इनके लिए अगर कुछ काम किए होंगे, तो अगली बार काम के नाम पर वोट मांगूंगा। लेकिन एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे करके देखो, जैसे हमने दिल्ली और पंजाब में काम किए, उस तरह के सारे काम आपके हल्के में भी। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।